आप अपना नाम बताएं और अपने बारे में कुछ जानकारी दें। मेरा नाम उदय गिल है, मैं गोल मार्केट क्षेत्र में रहता हूं और सरकार में, भारत सरकार में सरकारी कर्मचारी हूं। आप दिल्ली से ही हैं या बाहर से आए हैं या नौकरी करने? सिंस बर्थ में दिल्ली से ही हूं। तो ये जो आज की डेट में आजकल आप जो सामाजिक स्थिति देखते हैं, उस सामाजिक स्थिति में अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव अभी समय लगेगा। आपका सामाजिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है आपका? आप सोसाइटी में अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। जाति में विश्वास करते हैं आप? जाति तो हजारों साल से बनी है। किसने बनाई ये? उस वक्त की जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये जाति और धर्म। आप मानते हैं जाति व्यवस्था को? नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आपकी कोई जाति है? इंसानियत है, मानवता है। अगर बाहर के लोग आपकी इंसानियत को मान्यता ना दें तो आप क्या करेंगे? मैं अपना कर्म करता रहूँगा। क्या कर्म करेंगे? सामाजिक जीवन में मानवता के लिए समर्पित भाव से निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं उन पर चलते हुए अपना जीवन यापन करूँगा। क्या संस्कार दिए हैं? माता पिता ने हमेशा आए हुए अतिथि का घर पर जो आ जाए वो हमारे देवता समान है। और जो आपका शोषण करे उसके बारे में क्या कहा है आपकी माता पिता ने? माता पिता ने कहा है कि एक बार बर्दाश्त करो, दूसरी बार नहीं। एक बार बर्दाश्त करने में आपका मन करता है कि एक बार भी बर्दाश्त करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि भाई हमने आपको अपना समझा और आपने हमारे बारे में दुष्प्रचार किया या हमारे बारे में गलत सोचा। में क्या करेंगे आप जब आपको पता चलेगा कि एक बार के माफ़ करने में ये बात नहीं बनी? तो दूसरे बार एक अथक प्रयास और करूँगा, फिर उसको उसी के भाषा में मैं समझाना भी जानता हूँ। और अगर वो ना समझे तो? फिर और भी रास्ते हैं समझाने के। आजकल जो आप सामाजिक काम कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं? मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरा उसमें कोई लालच के लिए कर रहे हैं। मेरा अपना समाज है। कौन सा समाज है आपका? वाल्मीकि समाज। और जो स्वच्छकार समाज होता है, भंगी समाज होता है, वो आपका नहीं है? वो भी मेरा अपना समाज है। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में बहुत अंतर है। बताएं। स्वच्छकार समाज एक रोजगार है, वो अपना पेट भरने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सफाई का पेशा करते हैं। और वाल्मीकि समाज? वाल्मीकि समाज भी वही है। और भंगी समाज? भंगी समाज भी वही है। हेला समाज? हेला समाज भी, सुदर्शन समाज भी, लाल बेगी भी। तो इन मखियार कैसे आया फिर? हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। इसका जो मेन कारण है हमारी अज्ञानता है। हमने ब्राह्मणवाद, मनुवाद को। अज्ञानता कैसे आई आपके पास? अज्ञानता इसलिए आई जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया। आपके पूर्वज अज्ञानी थे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो फिर ज्ञानी कौन था? ज्ञानी वो विद्वान लोग थे जो मनुवाद को मानते थे। मगर आप देश के मूल निवासी नहीं है इसका मतलब? नहीं, मैं मूल निवासी हूँ। तो मूल निवासी अज्ञानी थे? नहीं। तो आपने कैसे कहा? नहीं, मैंने उनके उन पूर्वजों के लिए कहा है जिन्होंने हमें पूरा ज्ञान नहीं दिया। आपने ज्ञान लिया नहीं या उन्होंने दिया नहीं? बिल्कुल उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो तो शिक्षा से बहुत दूर थे। वेदों से भी ज्ञान मिला लेकिन उस तरह का नहीं मिला, वो मनुवाद का ज्ञान था। शिक्षा से दूर कैसे हो गए? हमारे लोगों को कहाँ था इस बात का, वो शिक्षा का अधिकार कहाँ था? शुरू से शिक्षा से दूर थे? शुरू में तो हमने सुना है कि हमारे पूर्वज पढ़ते थे, लेकिन राम राज्य में हमने सुना, अक्सर देखा है, रामायण में भी है उसका विवरण, अन्य किताबों में भी विवरण है कि हमारे लोगों को उस वक्त स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, सुनने का भी अधिकार नहीं था। जब शुरू में आपके लोग ज्ञानी थे तो ये ज्ञानी से ज्ञानी होने की जो रीति है, परंपरा है, वो कैसे बनी? ये जातिवाद और इस धर्म ने हमारा, जो हिंदू धर्म है, इसने हमें बहुत दूर कर दिया है। जातिवाद कब से आरंभ हुआ? जातिवाद तो शुरू से ही है। तो जब आपके लोग ज्ञानी थे तब जातिवाद था? उस वक्त का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने जो किताबों से, अखबारों से या आप जैसे बुद्धिजीवियों से जो सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलता है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि अपने लोगों की जो समस्या है वो जातिवाद के रहते जो आई है, जातिवाद के रहते उसको दूर कर पाएंगे? नहीं, हमारा धर्म ने सबसे बड़ा नुकसान किया, हिंदू धर्म ने हमारा नुकसान किया। हिंदू धर्म की मान्यता कब से आई आपके लिए? मैंने तो जन्म से ही, हमने अपने घर परिवारों में हिंदू धर्म को ही देखा। आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। उनके पूर्वज? उनके पूर्वज भी हिंदू धर्म के। कितना पुराना है? काफी समय पुराना बस इसमें तो। लगभग? ये तो भाई 5,000 साल अगर कहते हैं सब लोग। क्या वाल्मीकि रामायण के अंदर हिंदू धर्म का जिक्र है? नहीं, शायद उसमें नहीं है।
तो वो इसका मतलब जो वाल्मीकि थे वो हिंदू नहीं थे, पहले शायद आर्य कहते थे उनको, हिंदू धर्म के लोग मान्यता वाले जो लोग थे वो आर्य के वंशज के लोग हुआ करते थे, ऐसा हमें जानने को मिला। मतलब जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो शब्द है हिंदू वो बाद में आया, ये बाद में आया बिल्कुल, इसका मतलब पहले जो लोग थे वो हिंदू नहीं थे, नहीं थे, ये स्पष्ट होता है इससे जी। चलिए, आप अपने समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो। आपका समाज लगभग कितना परसेंट है पूरे भारत में? पूरे भारत में कम से कम कितना होगा? क्या सफाई का काम शुरू से था भारत के अंदर? नहीं, स्वच्छता का तो हमने अक्सर सुना है, देखा भी है, पोस्टरों के माध्यम से भी, किताबों के माध्यम से पढ़ा है कि हमारे लोगों को ये मैला प्रथा ढोने की परंपरा जो है, सफाई का काम जो दिया गया है गुलामी के कारण दिया गया। उससे पहले क्या काम करते थे आपके लोग? हमारे लोग उस वक्त, वो मुझे जानकारी इतना नहीं है। ये बात तय है कि वो सफाई काम नहीं करते, नहीं करते थे, नहीं मैला उठाने काम, नहीं जी नहीं। तो कोई और ही काम करते होंगे? जी जी। कुछ राजा भी थे आपके लोग? जी। कौन कौन थे राजा? अपना क्या नाम है उनका? अभी राजा बनने की तमन्ना दिल में है दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम राजा रहें इस देश के। चलिए ठीक है, धन्यवाद।